नई भर्तियों का इंतजार कर रहे लाखों विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। कर्मचारी चयन बोर्ड सहित आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट की तैयारी करेगा। 4 जून के बाद होगा नई भर्तियों पर काम। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की नई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड आरएएस और नई रीट। खुशखबरी, चुनाव आयोग की अनुमति, 19,000 पदों पर होगी भर्ती। भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी। राजस्थान पत्रिका न्यूज। 7 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम और दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच हो सकेगी, इनका अटका हुआ था परिणाम। बेरोजगारों को सौगात, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के प्रति बदला अभिभावकों का नजरिया। 800 स्कूलों में एक भी आवेदन नहीं, जहां लगती थी कतार वहां नहीं रुझान। राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। सबसे पहले तो दोस्तों राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 22 मई 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका, कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, आरपीएससी, रीट, कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का इतिहास, 22 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं। लंबित भर्तियों की अनुमति बाबत विधायक मनोज न्यांगल ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र, रीट और अन्य भर्तियों को लेकर। युवा बेरोजगारों के मुद्दों पर अक्सर सक्रिय रहने वाले विधायक न्यांगली ने प्रेषित पत्र के तुरंत मार्फत अवगत कराया है। रीट भर्ती 2022 सहित विभिन्न भर्तियों में रखे हैं खाली पद। अध्यापक भर्ती लेवल 2 विवादित प्रश्नों का मामला, आज लेवल 2 विवादित प्रश्नों को लेकर डिवीजन में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट जस्टिस फैसला सुनते हुए कमेटी बनाकर रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश, साथ ही सभी एप्लीकेंट की एप्लीकेशन की स्वीकार। 24 मई को होगी मामले की अंतिम सुनवाई यानी परसों। रीट शिक्षक भर्ती मामला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, भारतीय चुनाव आयोग ने दी कर्मचारी चयन बोर्ड को भर्तियों के परिणाम जारी करने की अनुमति, प्रेस नोट जारी। 7 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, 7 भर्तियों के परिणाम जारी करने के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी मिली। जयपुर, कौन कौन सी भर्तियां, सूचना सहायक WNM, JNM, कृषि पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लेखाकार, संगणक, CHO भर्ती। NHM की सभी सवर्ण की 8,260 पदों की भर्तियों को लेकर भरत बेनीवाल का बयान, आचार संहिता के बाद जारी होगी 8,260 पदों पर बंपर भर्ती, नई भर्ती। ट्रांसफर के लिए विधायक व सांसद की डिजायर अब नहीं आएगी काम, अब शिक्षा विभाग हो या पुलिस की नौकरी, सब पर बनेगी नीति। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद नया ट्रांसफर सिस्टम लागू हो जाएगा, इसके तहत राजस्थान में भी अब केंद्र सरकार की तरह तबादला नीति लागू होगी। इन लोगों को मिलेगी प्राथमिकता, क्या खास होगा, राजस्थान में भी नई तबादला नीति। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर प्रेस विज्ञप्ति, सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा भर्ती। पात्रता जांच दौरान अनुपस्थित रहे अतिरिक्त विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर, आरपीएससी। नेट के आवेदन विवरण में सुधार की प्रक्रिया शुरू, आज होगी विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती, आरपीएससी। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, आरपीएससी। एक साथ भर्ती निकालने से नुकसान, ज्यादातर का फर्स्ट व सेकेंड ग्रेड में चयन। संस्कृत के 538 सेकेंड ग्रेड को के पद भरने में आ रही परेशानी, अब तीसरी बार काउंसलिंग होगी, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड भर्ती मामला। सहायक अभियंता यांत्रिक परीक्षा 2023, अपात्र अभ्यर्थी 24 मई तक विड्रॉ कर सकेंगे आवेदन पत्र। खाद्य सुरक्षा अधिकारी काउंसलिंग, आज
अब खोज एवं उत्खनन अधिकारी पदों के लिए 19 को होगी परीक्षा। आरपीएससी ने परीक्षा आगे बढ़ाई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बोर्ड ने साइट से परीक्षा टाइम टेबल को हटाया। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर। प्री डीएलएड परीक्षा कोविड के बाद पहली बार जून में होगी। पिछले 3 साल में अगस्त से पहले नहीं हुई। एमजीएस विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों को जुलाई में मिलेगा नया सिलेबस। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की 80% कॉपियों का मूल्यांकन हुआ पूरा। आरपीएससी एपी लाइब्रेरियन एंड पीटीआई परीक्षा अभ्यर्थियों की अंग्रेजी में कम जूलॉजी में अधिक रही रुचि। आरपीएससी अजमेर। पिछली बार 50 स्कूलों को नोटिस, इस बार किसी को नहीं, सभी का रिजल्ट 50% से ऊपर। राजस्थान लोक सेवा आयोग विभिन्न परीक्षाएं संपन्न। नए परीक्षा पैटर्न का छात्रों पर क्या पड़ेगा असर। सहायक आरक्षी अधिकारी भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने कहा ज्यादा अंक वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करें। आरपीएससी की भर्ती। आरटी आवेदन पत्रों की जांच 24 तक। पिछले साल की तुलना में इस बार मई में रोज 19.55 लाख यूनिट खपत बढ़ी। गर्मी में झुलसा बिजली सप्लाई सिस्टम। मई से में जले 800 ट्रांसफर। नतीजा रोज हो रही है 3 से 4 घंटे। शिक्षाविद बोले नई शिक्षा नीति से स्टूडेंट्स में डेवलप होगी स्किल्स। क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई से बढ़ेगी सीखने की क्षमता। महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल नंबर 4 को हिंदी करने के लिए एसएमसी अध्यक्ष व सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षरों का आरोप। जांच सीबीओ के पास। आरबीएसई परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों को दिया 10 दिन का समय। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 300 रुपये में मिलेगी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति। कोटा जिले में लगाए जाएंगे करीब 4.5 लाख पौधे। विद्यार्थी किताबों के साथ अब पौधों का भी रखेंगे ध्यान। पहले सीबीएसई वाले विद्यार्थियों को मिलते थे ज्यादा अंक। प्रतिभाओं ने तोड़ा ये भ्रम। सीबीएसई को मात दे गया आरबीएसई 12वीं का परीक्षा परिणाम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बार 50 जिलों के हिसाब से जारी किया परिणाम। नीमकंठाना ने मारी बाजी। आर्ट्स कॉमर्स में 13वें, विज्ञान में 8वें पायदान पर हम। राजस्थान पत्रिका न्यूज। नीमकंठाना सीकर। सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर ढांचा सुधारने के निर्देश। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग। कॉमर्स में 19, साइंस में 101, आर्ट्स में 205 स्कूलों का परिणाम 100%। आंतरिक सरकारी स्कूल का आर्ट्स में सबसे कम 40% ही। भास्कर। आर्ट्स में जिले के 143 स्कूल, कॉमर्स के 2 और साइंस के 32 स्कूल। साइंस के 32 स्कूल का परिणाम 100% से कम। परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश किए जारी। राजस्थान विश्वविद्यालय 20 मिनट पहले रिपोर्टिंग फोटो प्रमाणित करना जरूरी। रीप प्रोसेस पर असमंजस। स्टूडेंट्स को 90 इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन का इंतजार। अब छात्रवृत्ति के लिए साल में एक बार ही होगा बायोमेट्रिक सत्यापन। एमडीएस बीएड मुख्य परीक्षा विलंब शुल्क के साथ 26 तक होंगे आवेदन।